जो सर ये सेफ्टी के लिए सर इसमें जो है थ्री फीचर्स है। फर्स्ट वन जो आप कॉक करने के बाद राउंड जो है बैरल में आ जाता है, तो उस टाइम में आपको अगर आप अगर चाहें आपको सोचना है कि नहीं अभी हम फायर नहीं करेंगे इसको, राउंड को हम बाहर करेंगे, तो उस टाइम में मैगजीन को आप निकलेंगे। निकल देने के बाद आप इस साइड में ला के देखिए ये इजेक्शन मोड है ये, तो यहाँ से ये जो फर्स्ट वन जो इसको जो डिस्टेंस जो है डिपेंड्स करता है इसका जो बैरल के ऊपर, ठीक है। तो बैरल इसका छोटा है, इसको ज़्यादा तो ये पर्सनल सेफ्टी मतलब जो है आमना सामनी का सेफ्टी है, ऐसे नहीं कि दूर से कोई है, तो वो है सर्विस जो पर्सनल है उसके लिए वो यूज़ होता है, ये आमना सामनी सेफ्टी है, ठीक है। ये इसका मकसद ये नहीं है किसी को हार्ट करना या किसी को एकदम ही मार देना, ये है क्या है कम से कम किसी को ये रहेगा तो किसी को डर होगा, ठीक है। अगर बहुत बहुत ही कोई होगा तो हम आपको अश्विनी कैटेगरी की जो है वो 3 32 बोर की पिस्टल्स दिखाने वाले हैं, और ये तीनों जो पिस्टल्स हैं वो आम लोग जो हैं भारत के वो खरीद सकते हैं, अगर उनके पास लाइसेंस है तो वो इन पिस्टल्स को रख सकते हैं। सबसे पहले बता दें कि मेरे पीछे देखिए 3 ये पिस्टल्स हैं, अश्विनी 32 बोर की पिस्टल है, ये MK1M है, ये जो है MK3 है, और ये है MK1M, ये 3 तरह की हैं। अब इनके बारे में डिटेल से बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले बताइए कि ये जो पिस्टल्स हैं इनमें बाकी पिस्टल्स के मुकाबले क्या अंतर है, और क्या इनकी फायरिंग कैपेसिटी है, क्या कीमत आती है, और क्या इसे भारत के आम लोग खरीद सकते हैं? जरूर, देखिए ये सिविलियन अपना सिविलियन प्रोडक्ट है, गरेंशल फैक्ट्री काशीपुर कोलकाता में बन रहा है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये मार्क 1 मॉडिफाइड मॉडल है अपना, और ये दूसरा है मार्क 3, और ये दोनों में जैसे कि मार्क 1 मॉडिफाइड हो गया, ये 8 राउंड कैपेसिटी में आते हैं, और ये मार्क 3 10 राउंड कैपेसिटी में आ रही है। और सिविलियन के लिए है, सिविलियन मतलब अपना अगर आर्म्स लाइसेंस बनवा लेते हैं तो हमसे डायरेक्टली खरीद सकते हैं। क्या कीमत आती होगी इन बंदूकों की, क्या कीमत है? मार्क 1 मॉडिफाइड आपको पड़ेगा 1,16,000 के आसपास, और ये मार्क 3 10 राउंड पड़ेगा आपको 1,46,000 के आसपास। इसमें मैगजीन कैपेसिटी जो है 10 है, इसमें 10 राउंड्स आते हैं, और ये जो है इसका मैगजीन कैपेसिटी 8 है, इसमें 8 राउंड्स आते हैं, और इसका रेंज है 18 मीटर का, और इसका रेंज है 22 मीटर का। और जो तीसरी पिस्टल जो थी यहाँ पे, ये भी मार्क 1 मॉडिफाइड ही है। अभी देखो मार्क 1 मॉडिफाइड को ही हम लोग पहले जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते थे, अभी रिसेंटली हमने जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जगह सेराकोट प्लेटिंग में भी हमने किया है, और अभी हम लोग ये कस्टमर को ऑफर भी कर रहे हैं, ये सेराकोट प्लेटिंग में भी अगर कस्टमर चाहे तो हमसे सेराकोट प्लेटिंग में भी ले सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर यही 3 वेरिएंट जो इस वक्त आप लोग ऑफर कर रहे हैं। अब अगर हम नॉर्मली इनकी बात करें फायरिंग कैपेसिटी की, जो आप 18 मीटर बता रहे हैं, क्या ये 22 से ज़्यादा क्यों नहीं होता? एक्चुअली ये पर्सनल सेफ्टी के लिए है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट वन जो इसको जो डिस्टेंस जो है डिपेंड्स करता है इसका जो बैरल के ऊपर, ठीक है। तो बैरल इसका छोटा है, इसको ज़्यादा तो ये पर्सनल सेफ्टी मतलब जो है आमना सामनी का सेफ्टी है, ऐसे नहीं कि दूर से कोई है, तो वो है सर्विस जो पर्सनल है उसके लिए वो यूज़ होता है, ये आमना सामनी सेफ्टी है, ठीक है। ये इसका मकसद ये नहीं है किसी को हार्ट करना या किसी को एकदम ही मार देना, ये है क्या है कम से कम किसी को ये रहेगा तो किसी को डर होगा, ठीक है। अगर बहुत बहुत ही कोई होगा तो ये फटल में यूज़ होता है, ऐसे नहीं। और इसका जो है हर टाइम जो है कमर से नीचे ही इसको ठीक ठाक है रखना है, क्योंकि ये इसके जो राउंड से अगर किसी को हार्ट हो जाएगा तो उसका भी जो क्वेश्चन जो है वो भी क्वेश्चनेबल हो जाता है, और जिम्मेदारी उसका ही है। तो मुझे एक बात समझाइए कि इसमें सेफ्टी के लिए क्या फीचर्स है? ये सेफ्टी के लिए सर इसमें जो है 3 फीचर्स है। फर्स्ट वन जो आप कॉक करने के बाद राउंड जो है बैरल में आ जाता है, तो उस टाइम में आपको अगर आप अगर चाहें आपको सोचना है कि नहीं अभी हम फायर नहीं करेंगे इसको, राउंड को हम बाहर करेंगे, तो उस टाइम में मैगजीन को आप निकलेंगे। निकल देने के बाद आप इस साइड में ला के देखिए ये इजेक्शन मोड है ये, तो यहाँ से
ये जो बाहर हो जाएगा। दूसरा जो है साइज सेफ्टी क्लच है, ये जो है ये आप फायर कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तीसरा जो है ग्रिप सेफ्टी है, जब तक ये आप सिर्फ टिगर दबाएंगे फायर नहीं होगा, जब तक ग्रिप के ऊपर जो है दोनों साइड से प्रेशर नहीं आएगा तब तक ये फायर नहीं होगा। ये है कमाल की बात, मतलब देखिए अगर आप मान लीजिए आपको लगता है कि सिर्फ आप ये इस ट्रिगर को दबाने से फायर करेंगे तो नहीं, आपका पिछला हाथ जो है अगर यहाँ पे नहीं आएगा और यहाँ से भी प्रेशर चाहिए आपको तब जाकर ये जो फायर होगा, यानी कि आपको यहाँ पे भी प्रेस करना है, आपको यहाँ पर भी प्रेस करना है, फिर जाकर ये फायरिंग होती है। तो ये हैं असली मॉडल्स की तमाम पिस्टल्स जो आम लोगों के लिए उपलब्ध है, यानी भारत के आम लोग इसे खरीद सकते हैं।